हेलो एवरीवन, क्या हाल है? ऑल गुड? बताना आप मुझे, ठीक है? अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोटो यूआई का रिव्यू हमारे मी 11X डिवाइस के लिए। अगर आप चाहते हो मोटो यूआई को ट्राई करना या मोटो का एक्सपीरियंस लेना, तो इस रोम को ट्राई कर सकते हो अपने डिवाइस में डालने के बाद कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ वर्किंग है, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, साथ साथ परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है और इसे डालना कैसे है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि इसे इंस्टॉल करना है या नहीं। और इंस्टॉल करोगे तो भाई आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आप लंबे टाइम से कस्टोनोम यूज कर रहे होगे या फिर अपना हाइपर ओएस मीवाई यूज कर रहे होगे, लेकिन अभी के टाइम पे आपको यूज करने को मिलता है मोटो यूआई, जो कि कंप्लीटली आपके डिवाइस को मूव कर देगा, टर्न कर देगा एक मोटोरोला डिवाइस के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। ये है मेरे पास मी 11X, जिसे आप पोको F3 के नाम से भी जानते हो, जहाँ पे मैंने डाल रखा है माई EY, जो कि 7.0 है हमारे मोटो का। और ये डिवाइस सपोर्ट किए गए जो कि हमारा 40 अल्ट्रा है मोटो रेजर, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसी के एस्पेक्ट्स वगैरह और बाकी डिटेल्स वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलते हैं वो रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से आपको दिखाई देने वाले हैं। फॉन्ट बाय डिफॉल्ट थोड़े बड़े रहते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा कर रखा है, जो कि आप भी कर लेना। इसका काफ़ी डिफरेंस आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो कि रियल मी काफ़ी कूल नज़र आता है। जहाँ पे 5G इस तरीके से आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, नेटवर्क वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड ऐप्स रनिंग देखने को मिलेगा। ये हमारा पावर मेनू है, जहाँ पे एनिमेशन देख पा रहे हो, और ये हमारा सेटिंग का है। एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, जब भी मैं रिसेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्लियर ऑल का टैब आपको दिखाई देता है, लॉक का भी है, स्क्रीनशॉट का। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लास्ट टैब पे जाता हूँ तो ये जो यहाँ पे गायब हो जाता है और में चला जाता है, जैसे कि क्लीन ऑल का, क्लियर ऑल का, जो कि ये चीज देखने में थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट सा फील देता है। जहां पे आपको कुछ इस तरीके से एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि ऊपर और नीचे हो जाता है जैसे आप क्लिक करते हो, जहां पे इन्फो, स्प्लिट और फुल स्क्रीन वगैरह के ऑप्शन आपको जो देखने को मिलते हैं, जो कि काफी सही है। और एप्स लॉक के ऊपर आपको इस तरीके से प्राइवेसी वाला टैग दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे कई सारे आपको थीम मिलते हैं, बस आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, कुछ इस तरीके से पॉपअप सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप देख पाओगे एनिमेशन कितने अच्छे दिखाई देते हैं। जो भी चाहिए सिंपली टैप करो और सेव पे क्लिक कर दो, आपको वो प्री बिल्ड थीम अप्लाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कई सारे क्रिएट करके दिए हुए रहते हैं। और बाकी आप मैनुअली खुद से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा खासा लगता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है विजेट्स वगैरह के सपोर्ट, जहाँ पे कई सारे आपको विजेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपको विजेट्स रखना है वो आप सिंपली ऐड कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पे, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। अनदर यहाँ पे आपको होल्ड करने के बाद देखने को मिलता है वॉलपेपर सेशन, जहाँ पे आपको कुछ इसके डिफॉल्ट वॉलपेपर कैटेगरी देखने को मिलेंगे, कुछ अलग से भी ऐड किए गए हैं, और कुछ यहाँ पे लाइव वॉलपेपर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, जो कि इसके थीम के साथ काम करेंगे। और आप चाहो तो सिंगल भी अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से आप गैलरी से निकाल सकते हो अपने वॉलपेपर वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे जो कैरोसेल आता है सभी में वो आपको मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पर्सनलाइजेशन, जहाँ से डायरेक्टली इसके ह्यूज कस्टमाइजेशन के ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे आप डार्क मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, लाइट मोड वगैरह, और यहाँ पे साउंड कंट्रोल है, जो कि रिंग से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड और अलार्म से रिलेटेड है। बाकी आपको लेआउट मिलता है रो एंड कॉल्यूम का, जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे बदल सकते हो कैसा रखना है कैसा नहीं। साथ साथ डिस्प्ले, टेक्स्ट साइज वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैंने थोड़ा सा कम कर रखा है। बाकी यहाँ पे आइकन शेप अलग अलग स्टाइल में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको आइकन शेप रखना है रखो और अप्लाई कर दो, वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे। अनदर यहाँ पे फिर से आते हैं इसके ऊपर, तो आपको देखने को मिल जाता है हमारा आइकन पैक, जहाँ पे 3 आइकन पैक बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं, जो अभी आपको सही लगे आप रखो। अनदर यहाँ पे कलर मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, थीम्ड आइकन भी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जो कि मोनेट जैसा है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिफॉल्ट आपको थीम मिलते हैं फॉन्ट के, तो जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन है। अनदर यहाँ पे आपको थीम देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो भी आपको यहाँ पे सही लगे बस सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और यूज कर लेना है, ये आपके पूरे सेटिंग के अंदर उसी तरीके से चेंज ला के देगा। और ये आपका है जो लॉक स्क्रीन वगैरह, जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज आ चुका है, और लाइव वॉलपेपर भी हमारा यहाँ पे अटैच हो चुका है। बाकी ये हमारा होम सेटिंग है, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह है, बाकी यहाँ पे आपको अदर ऑप्शंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं रो एंड कॉलम वगैरह के, और यहाँ पे स्वाइप एक्सेस भी आप सेट कर सकते हो और ग्लोबल सर्च वगैरह भी। और आप देखो यहाँ पे भी आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये बग है, मूव कर रहा है, इसकी आंखें वह चमक रही है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी ये हमारा फोल्डर का कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर वापस से आते हैं, तो आप देखोगे सेटिंग अप्लाई करने के बाद फॉन्ट के अंदर भी बदलाव आते हैं। जी हाँ, थीम के अंदर आपको फॉन्ट भी चेंज होते हुए नजर आएगा।
अगर हम सेटिंग के अलावा सिस्टम पे आते हैं तो आपको मिलता है कीबोर्ड, टाइम, यहाँ पे ऑन ऑफ का शेड्यूल वगैरह आपको मिल जाता है, मोटो गाइड है, बैकअप है, मूवर है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह चेंज करने के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहाँ से आप बूस्ट वगैरह कर सकते हो, जो कि रैम एक्सटेंशन वगैरह है उसके हिसाब से बाकी चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, बाकी क्लीनअप वगैरह है। अनदर यहाँ पे आपको क्रिएट टूल किट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि स्पेशली रेजर डिवाइस के लिए, जो कि फ्लिप वाला है हमारा। बाकी कुछ स्पूफिंग के फीचर्स ऐड किए गए और रियली में हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो बूट और लॉक का स्पूफ है, यानी आपका लॉक शो करेगा, साथ साथ ये हमारा पास है, कोई फेल नहीं हुआ क्योंकि पर्सनली मैंने इसे चेक किया है, साथ साथ अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज है, नेटफ्लिक का है, और इसे आप ऑन कर लेना, अदरवाइज मे बी आपको प्ले स्टोर लॉगिन में दिक्कत आएगी। तो यहाँ से ऑन कर लोगे उसके बाद प्ले स्टोर वगैरह यूज कर पाओगे। बाकी इंटेलिजेंट फोटो सर्च इंजन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बूटर लॉक शो कर रहा है, और यहाँ पे अगर मैं सेट चेक करने आऊँ, जो कि हमारा यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेशन के अलावा सेफ्टी नेट वगैरह, तो ये आपको जो पास देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट, वो भी तीनों के तीनों। अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे नेट डाउन है और इसमें इंटरनेट है नहीं, इसलिए रन नहीं कर रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एज अ स्क्रीनशॉट के रूप में, जो कि मैंने चेक किया था। तो आप देखो ये गैलरी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे चेक करी, और ये रहा हमारा यहाँ पे फिक्स आपको देखने को मिलता है, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये दिया गया, आपको इसके लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल इस रोम को डालो और ये सेटिंग आपके बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं, आपका सारा काम हो जाता है। अनदर गूगल प्राइवेसी और सिक्योरिटी वगैरह, जहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट प्रॉपर काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और आपका डिवाइस ये इनक्रिप्टेड रहता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग डिक्रिप्ट से रिलेटेड टेंशन लेते हैं, बट यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनदर आपको ऐप्स के अंदर देखने को मिलता है रीस्टोर सिस्टम ऐप्स वगैरह, जैसे कि हमारे MIUI के अंदर रहता है या HyperOS समझ लो, नेटवर्क इंटरनेट का है, ऐप बिहेवियर है, ऐप लॉक, ऐप क्लोन वगैरह आपको देखने को मिलता है, और ये है हमारा गेमिंग सेटिंग, और ये सारी चीज़ आपके काम करती है अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्विक लॉन्च वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सो ऐप का आइकन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बाकी चीज़ आप यहाँ पे अपने हिसाब से एक्सेस जो कर सकते हो। अनदर रही बात यहाँ पे ऐप्स लॉक वगैरह की, तो मैंने कुछ कुछ एप्लीकेशन पे लॉक लगा रखा है, जो कि आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हो लॉक आपका है जो वर्किंग रहता है, और मैंने कुछ को यहाँ पे क्लोन भी कर रखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे ऐप्स लॉक तो मैंने शो किया, लेकिन क्लोन के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है, और यहाँ से आपको जो भी ऐप्स को क्लोन करना है उसे आपको बस सिंपली इस तरीके से ऑन कर लेना है, उसका लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्रिएट कर दोगे आपका क्लोन बनेगा। यानी एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है क्लोन करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1DM का किया है, एक्वा का किया है, और यहाँ पे Antutu का किया है, और अमेजन का भी मैं यहाँ पे है जो कर ही देता हूँ। तो इस तरीके से जैसे आप क्रिएट करोगे आपको होम स्क्रीन पे उसके शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने भी जस्ट क्लोन बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्लोन क्रिएट होता है, लेकिन हाँ काम करता है, जो कि अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग का लुक थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, लोकेशन है, बैटरी है, और बैटरी के अंदर ये प्रोफाइल दिया गया है, बट ये कब काम करेगा, जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हमारा रूटेड नहीं था, तो मैंने एक VoNR का वीडियो दिया कि कैसे आप VoNR कॉलिंग इनेबल कर सकते हो, उसके लिए मुझे रूट करना पड़ा था, जो कि आप चाहो तो देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से आपके ऑप्शन इनेबल होते हैं, जिसे आप बैलेंस पे सेट कर सकते हो, या परफॉर्मेंस पे, या बैटरी पे, या गेमिंग पे, जो भी आपको रखना है कर सकते हो। लेकिन रही बात भाई इस पे मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ एडिटिंग के टाइम में मैं इस पे डाल के बाकी चीज़ों को रन करके आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी चेक किया है वो सब विदाउट इनके एक्टिवेशन के मैंने किया था, लेकिन इसके बाद मैं आपको एडिटिंग में शो कर दूंगा कि कितना इंप्रूवमेंट आता है। बाकी यहाँ पे बैटरी सेविंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन है, और यहाँ पे बैटरी मैनेज वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं, और परसेंटेज वगैरह। साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने फ़ोन को टर्बो पे स्विच कर सकते हो या फिर बैलेंस वगैरह पे, और इसके वजह से कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलता है परफॉर्मेंस के अंदर, लेकिन हाँ बैलेंस और बैटरी पे आपको इंप्रूवमेंट नज़र आता है। इसके अलावा टर्बो पे मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी इन्हेंसमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन जो अभी रूट वाला स्टेप है उसका मैं चेक करके आपको ऐड कर दूंगा। बाकी नोटिफिकेशन सिंपल ही है, साउंड का प्रोफाइल आपका प्रॉपर काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, और डॉल्बी वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है मोटो का, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, तो इसका भी आप फुल बेनिफिट ले पाओगे, कुछ इस तरीके से सारे ऑप्शन आपके सामने है जो आ जाते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जेस्चर्स वगैरह, जहाँ पे आपको स्लाइडर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से मैंने ऑन कर रखा है, जैसे कि आपने सैमसंग में देखा होगा, काफ़ी हद तक वैसा ही ये है जो हमारा काम करता है। बाकी यहाँ पे सिस्टम नेबर वगैरह है, जिसमें आपको एज वगैरह कंट्रोल करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ट्रिपल फिंगरप्रिंट, स्क्रीनशॉट वगैरह, स्प्लिट वगैरह के ऑप्शन है, और यहाँ पे एयर कॉल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि कॉल एक्सेप्ट में ये हेल्प करेगा। बाकी होम लॉन्चर से रिलेटेड आपको कुछ सेटिंग मिल जाता है, होम कस्टमाइजेशन जो कि मैंने शो कर दिया है, ये हमारा स्टेटस बार जहाँ पे बैटरी परसेंटेज वगैरह, आइकन वगैरह ये मैनेज कर सकते हो। अनदर ये कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पे मॉडर्न वाला लुक है, और साथ साथ आप चाहो तो स्टॉक जो कि कस्टम रूम का आता है उस तरीके से आप ये चीज़ें रख सकते हो।
तो इन दोनों में से जो भी आपको लुक चाहिए वो आप यहाँ पे सिंपली चेंज करो और मजे लो। अनदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाता है प्राइवेसी, सेफ रिप्लाई, यहाँ पे स्लीप डिस्प्ले वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, क्लॉक से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है और पुट द डिस्प्ले टू स्लीप के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि डबल टैप टू लॉक का एक तरीके से आप कह सकते हो है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा डिस्प्ले, जहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस हमारा प्रॉपर काम करता है, सेचुरेशन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ऑटो 60 और 120 का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, सर फ्लिकर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और वही स्प्लिट स्क्रीन और स्मार्ट कनेक्ट जो कि मोटो का रहता है और टैप टू बैकअप वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये पर्सनलाइज तो मैंने आपको शो कर ही दिया है, ये है मोटो का AI ट्रेवल वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आप अपना लेनोवो का अकाउंट वगैरह लॉग इन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है इस मोटो UI के अंदर, जो कि रियली में काफ़ी कूल बनाता है इसे और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि लंबे टाइम के बाद आपको कुछ डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन रही बात इस रोम को हम डालते हैं तो परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो स्टार्टअप से स्टार्ट करेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने परफॉर्मेंस ऑन नहीं किया था रूट वाला, तो वो मैं चेक कर लूँगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आपको इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। बूटर लॉक स्पूफ रहता है और तीनों आपके पास रहते हो, डिवाइस सर्टिफाइड भी आपको यहाँ पे रहता है, तो इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आती है। साथ साथ फोटो स्टोरेज का सेटिंग दिया गया है तो आपका वर्किंग रहता है। चार्जिंग जो कि 13 में 18% गया है, 9 में 11% गया है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक ठाक आपको मिल जाता है, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ साथ ये है हमारा Antutu स्कोर, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा डाउन साइड है इस डिवाइस के हिसाब से, लेकिन जो मोटो UI वगैरह आता है ऑक्सीजन वैसे ना इसमें थोड़ा सा डाउन ही रहता है, लेकिन जब आप यूज करते हो तो ऐसा जरा सा भी फील नहीं होता कि यार परफॉर्मेंस वगैरह डाउन निकल के आ रही है। बट परफॉर्मेंस ऑन करके मैं चेक करूंगा और यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे हमारा CPU टोटल भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना कि आपको कस्टम रोम और हाइपर या MIUI पे देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा अंडर क्लॉक मैं कह सकता हूँ कि है, जो कि 293,000 मैक्स, ओमिनो यहाँ पे 243,000 है। साथ साथ Geekbench तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा आया, इसमें कोई खास कमी मुझे देखने को नहीं मिली है और फिर से मैंने CPU वगैरह रन किया था Antutu वगैरह, तो यहाँ पे सिमिलर रिजल्ट ही आए हैं और कॉलिंग वगैरह हमारा काम कर रहा है अच्छे से। लेकिन हाँ, यहाँ पे वीडियो कॉल से रिलेटेड मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई है, क्योंकि वीडियो कॉल मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा था, तो ये आप देख लेना क्योंकि ये प्रॉब्लम शायद आपको भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखो एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से चीज़ें, जो कि हमारा स्मार्ट आई से रिलेटेड ऑप्शन है, जो कि कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वगैरह को हाइड करने के काम में आ जाता है। बाकी रिसेंट वाला तो मैंने आपको यहाँ पे शो कर ही दिया है। तो टोटल ये सारी चीज़ें निकल के आती है और ये बार डालना कैसे, तो सेम जैसे कि आपने ऑक्सीजन ओएस का वीडियो देखा था डालने के बारे में बताया था, सेम उसी तरीके से आपको FW डालना है और इस रोम को फ्लैश कर लेना है, काम बन जाएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बस आपको ऑफ करने के बाद पावर टर्न एंड वॉल्यूम आपको प्रेस करना है, जिससे आपका कस्टम रिकवरी ओपन हो जाएगा। जैसे लाइट अप होता है पावर टर्न रिलीज करेंगे, वॉल्यूम आपको होल्ड करेंगे, यहाँ पे हमारा रिकवरी आ चुका है। अब नॉर्मल आप चाहो तो यहाँ पे वाइप कर सकते हो या सिंपल इंस्टॉल पे जाओ, अपने फाइल को ब्राउज करो। सबसे पहले आपको FW यहाँ पे फ्लैश करना है, जो कि रिकमेंडेड है 102 को। कंप्लीट फ्लैश होते ही बैक आना है, अपने रोम को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा MIUI है और फ्लैश कर देना है। कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको होम पे जाना है, उसके बाद वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे यस टाइप करना है और फॉर्मेट कर देना है। बिल्कुल ही सिंपल और इजी मेथड है, जैसे ही कंप्लीट फॉर्मेट होता है आपको सिंपल रिबूट कर देना है। अगर फ्लैशिंग में कोई भी दिक्कत आता है या बूट में प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप अपना स्टॉक रोम फ्लैश कर लो अपने फोन के अंदर, जो कि फास्टबूट रोम होगा MIUI 14 का, उसके बाद रिकवरी डालो और ये प्रोसेस फॉलो कर लेना, वन टाइम में बूट कर जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ तक वीडियो वॉच कर रहे हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।